पल्स है, ये बड़ा रस है हमारा, सीधा ब्रेन में जाता है, दिमाग में, तो ये सबको फील होगा। सब लोग लगाइए ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस सांस की नली के बगल में यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है आपको। हाँ वो पल्स है, देखिए यहाँ पे ऐसे चेक करना है, ये पल्स यहाँ चेक होगा, ठीक है। अगर पल्स आ रहा है तो हमें छाती नहीं दबाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सबका बेहोश होते ही सबका छाती नहीं दबा देना है, ठीक है। पहले पल्स देखना है, अगर पल्स है तो इसका मतलब ब्रेन में ब्लड जा रहा है, ठीक है। तब हमें छाती नहीं दबाना है, तब हमें इमरजेंसी मेडिकल हेल्प को बुलाना है, वो लोग आएंगे, शुगर वगैरह मरीज चेक करेंगे, खास करके शुगर के मरीजों में। शुगर कम होने से बढ़ने से ही बेहोशियाँ होती है, तो इसीलिए पल्स देखना है। अगर पल्स नहीं मिल रहा है आपको, आप यहाँ कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, तभी आपको सीपीआर कर रहा है। और देखिए विज्ञान इसमें क्या कहता है, क्यों छाती दबाना है, जो हम लोग का दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो अगर उसको ब्लड कट ऑफ हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है, कोमा में चला जाता है, पेशेंट वापस नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्रेन को ब्लड देने के लिए छाती दबाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा दिल एक व्यस्त मरीज का दिल हर मिनट 5 लीटर खून पंप करता है, 5 लीटर खून हर मिनट हमारा दिल पंप करता है, और हमारे दिमाग में किडनी में हर जगह ब्लड भेजता है। लेकिन जब आपका दिल रुक जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हम बोलते हैं इसको, जिस पर पल्स नहीं आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, दिल रुक गया है, तो ऐसे में आपको यहाँ पल्स नहीं मिलेगा, तो ऐसे हम करते हैं आप दिमाग को बहुत ज़्यादा खून चाहिएगी, तो क्या करते हैं मैनुअली दबाते हैं उसको, कम से कम कुछ खून दिमाग में जाए, दिमाग जिंदा रहे, दिमाग मर गया तो खत्म है, पेशेंट ब्रेन डेड है, ठीक है। उसका शरीर में हम फर्स्ट ऑर्गन डोनेशन भी यूज कर सकते हैं, दूसरे मरीजों के काम आ जाएगा, आपको पल्स फील कर रहा है और चेस्ट मूवमेंट देख रहा है, छाती इनका उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। कोई कोई यहाँ नाक पे कहते हैं कि ऐसा है, अगर छाती ही नहीं चल रहा है ना, नाक पे कुछ हवा आएगा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि चेस्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो नाक से हवा आएगा ही नहीं, तो आपको उसी टाइम देख लेना है, नहीं हो रहा है इसका मतलब सांस भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो ये यही है, यहाँ यही बता रहे। अब देखिए कंप्रेशंस करना है और सांस देना है, तो देखिए अभी सांस देने के लिए छोटे छोटे मास्क भी आते हैं, आप माउथ टू माउथ नहीं दे पाइएगा, क्योंकि अभी कोरोना टाइम में खुद एएचए ने अभी बैंड किया हुआ है कि आप मुंह से मुंह सांस नहीं देंगे। तो आजकल छोटा सा एक मास्क का किट होता है, देखिए वो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है ना, हर हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में वो किट अवेलेबल होता है, वो मेडिकल हेल्थ किट करके वो किट लगा रहता है दीवार पे और उसको यूज़ किया जाता है सिचुएशन में। तो उसमें एक छोटा सा मास्क भी होता है कि आप मरीज के मुँह पर लगा के उसको सांस दे सकते हैं, ठीक है, और ये छाती दबाना होता है, ठीक है। तो यही है बेसिक। देखिए ये जो मशीन है ये अस्पताल के अंदर मिलेगा आपको, इसको हम एम्बू बैग बोलते हैं, हमारे पास है तो ये आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, रिपोर्ट की ट्रेनिंग दे सबको, ये सबको आना चाहिए, ये स्टाफ को नहीं, ये पूरे देशवासी है, सबको आना चाहिए, क्योंकि देखिए मेडिकल इमरजेंसी कब आ जाए कोई नहीं जानता है। हमारी देश कोरोना की आपदा से गुजर चुकी है और काफ़ी इमरजेंसीज था, तो कम से कम लोगों को जानकारी तो चले कि अगर इमरजेंसी कंडीशन हमारे परिवार में या हम जहां काम करते हैं वहां पे आता है तो हमें रिस्पॉन्स कैसा करना है। तो ये एक हमारे हॉस्पिटल की इनिशिएटिव है जो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कम से कम बेसिक लाइफ सपोर्ट में सब सारे जो नागरिक हैं सबको पता हो कि कैसे क्या करना होता है इमरजेंसी के सिचुएशंस में, क्योंकि देखिए इमरजेंसी कभी बता के पूछ के नहीं आता है, वो किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। तो कम से कम हमें पता चलना चाहिए कि जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमें करना क्या है, कम से कम इतना तो कर पाए हम पहचान पाए कि हाँ इमरजेंसी सच में है, इस मरीज़ को इनको अस्पताल की ज़रूरत है, तो कम से कम तुरंत अस्पताल लेके चले जाए। और ये जो पहले जो इमरजेंसी सिचुएशंस में ये जो शुरू के 1-2 घंटे होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो ऐसे में अगर आपने तुरंत एक्ट किया तो मरीज़ का जान बच जाता है ना। तो मेरी वहीं दरख्वास्त रही कि लोग जो सीखे हैं वो आगे लोगों को और भी सिखाएं और ये चीज़ें सबको पता हो कि हमें इमरजेंसीज को कैसे हैंडल करना है एज अ सिविलियन। जो हमारा हेल्थ चेकअप है वो बेसिकली हम स्क्रीन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ बीपी और शुगर के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ऐसे कैंपों में ये देखा जाता है कि खासकर बीपी के मरीज़ जो बीपी की दवा नहीं ले रहे हैं उनको पता ही नहीं कि बीपी है, और बीपी चेक होता है बढ़ा हुआ आता है। तो ये एक स्क्रीनिंग कैंप है जहाँ हम लोगों को उन लोगों को टारगेट करते हैं
जिसको सच में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप किसी भी नज़दीकी अस्पताल में या जहाँ भी आप सक्षम है जाने के लिए, वहाँ जाके अपना इलाज करवाइए। मेरा नाम डॉक्टर अतुल तिवारी है और मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई इमरजेंसी मेडिसिन में करी है एम्स दिल्ली से, और मैं एक इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। सबका बहुत ये ना उठला है, अगर रियल मरीज में करिएगा ना, इतना हार्ड होता है चेस्ट कि आप दबाते दबाते थक जाएंगे, और ये एक मिनट में 100 से 120 बार दबाना होता है कायदे से, ये तो काफ़ी थकाने वाला है, तो इसीलिए इसको अच्छे से करना है, ये जान बचाता है। देखिए इसका साइंस है ना, मान लीजिए 5 मिनट तो जिंदा में आपके ब्रेन में हार्ट पंप कर रहा है, अगर आप ऐसे दबाते हैं तो कम से कम 2 लीटर ब्लड पंप होता है, वो जो ब्रेन को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एकदम ही संदेह होकर कर रहा है, छाती का हड्डी टूटा कोई कुछ नहीं कहेगा, जान रहेगी सब इलाज हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट कीजिए। जितना जोर से दबा रहा है उतना जोर से छोड़ना भी है। छोड़िए, फिर से दूसरा हवा भरिए, दूसरा दो बार भरना है, दो बार हवा देना है, अब फिर छाती दबाते रहिए, फिर आप छाती दबाइए। ठीक है, समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट, ये चलता रहेगा